ड्रैगन भीम और बच्चों, मैं रुजा हूँ, रोशोज का राजा, और तुम सबका अधूरा ग्रह पर स्वागत करता हूँ। तुम इस वक्त ग्रह के रोशनी वाले हिस्से पर हो, दीवार के उस तरफ बंजर हिस्सा है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे विश्राम कक्ष तक ले चलता हूँ। मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मुझे वो स्वादिष्ट फल खाना है। कालिया, ये तुमने क्या कर दिया? इन्हें खाने वाला पुतला बन जाता है। मैं अपना शरीर हिला नहीं पा रहा। इसका कोई तो इलाज होगा? जल माया फल का असर सिर्फ खून भरी नाम के फूल से ठीक किया जा सकता है, पर ये फूल सिर्फ बंजर हिस्से की काली गुफाओं में मिलता है। बहुत वर्षों पहले हमारे पूरे ग्रह को इस सुंदर सौंदर्य तारे से रोशनी मिलती थी। फिर अचानक एक दिन टूटे तारों की बरसात हुई। उस बरसात ने सौंदर्य तारा को ग्रह के इस तरफ धकेल दिया, इसीलिए अब सिर्फ आधे ग्रह पर रोशनी पड़ती है। और न जाने कहां से ये डुकस आ गए। इन डुकस का राजा डोरो बड़ा ही मतलबी और क्रूर है, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ये हीरो की दीवार बनाई डुकस और रोशोस को अलग रखने के लिए। अब हम फूल भरी फूल लेकर ही वापस आएंगे। Thank you.
कोई वार नहीं, कोई लड़ाई नहीं। हमें ड्रैगन जादू सीखनी है। हाँ, और ड्रैगन लड़ाई भी। हमें ड्रैगन स्कूल फिर से शुरू करना चाहिए। रोका किसने? ड्रैगन स्कूल को फिर से शुरू करते हैं। ये मूर्ति आखिर टूटी कैसे? ये हमारी वजह से नहीं टूटी, महा ड्रैगन लड़ाई कॉन्टेस्ट में। ये ड्रैगन लड़ाई का मुकाबला है। मेरा नाम है डोगा, मुझ जैसा कोई नहीं होगा। वो आपे से बाहर हो गया था। क्रूर और गुस्सा उसके दिलो दिमाग पर छा गया था। ड्रैगन स्कूल का स्वच्छता अभियान अब जॉली मॉली का है काम। कि तुम क्या सीखना पसंद करोगे, ड्रैगन जादू या ड्रैगन लड़ाई? ओ ड्रैगन जादू से तुम अंतरिक्ष की हर पहेली को सुलझा सकते हो। ड्रैगन लड़ाई से तुम्हें ताकत मिलेगी। हम ड्रैगन लड़ाई सीखेंगे। हम ड्रैगन जादू सीखेंगे। अब तुम्हारा क्या फैसला है भीम? पता नहीं। आज के दिन तुम ज्वाला और जोर के साथ ड्रैगन जादू और ड्रैगन लड़ाई दोनों का अभ्यास करो। ये शक्ति मुद्रा है, इसका अभ्यास करने से तुम्हारे शरीर की सारी शक्ति तुम्हारे बाजुओं में आ जाएगी, दुश्मन पर हमला कर सकते हो। हाँ। और जोर लगाओ। बटर बटर बटली बम्बूटी, बच्चों को दे दो इनकी खुद की अंगूठी। ये निजी अंगूठी है, तुम्हें अपने प्राणों से ज्यादा इस अंगूठी की रक्षा करनी होगी। पहला मंत्र बड़ा ही सरल है, फोकस पोकस मारो लोकस। तुम्हें बस थोड़े अभ्यास की जरूरत है। बूम बैम बूम, धूम धाम धूम। दूर हटो मुझसे। हम भी तो देखें।
देखे तुम्हारे चाचा ने जो कपड़े भेजे हैं उनमें तुम कैसे लगते हो। अब मैं इन कपड़ों का क्या करूं? देखो ये कपड़े किस ग्रह से आए हैं, वहाँ जाकर ये कपड़े बदलकर तुम्हारे नाप के कपड़े ले आते हैं। सारे कपड़े चुरा के ले गए, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, एक रुमाल तक नहीं। हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये गंध कैसी है? कुछ खास नहीं, बस कपड़े धोने की फैक्ट्री में काम आता है। हाई स्ट्राइकर्स पर करनी पड़ेगी। वहाँ देखो। मेरा नाम है सूरा। दिखने में तो बड़ा छोटा है पर ये सूरा है बहुत ताकतवर। अब देखो मेरी अदृश्य किरणों का कमाल। कैसे हो गया,
मेरे हाथ में मोच आ गई है। अब मैं प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। अब एन मौके पर हमें कूडो रोडा की जगह दूसरा खिलाड़ी कहाँ मिलेगा जो इतना ही ताकतवर हो? क्या? मैंने क्या किया? इस साल की हाई स्ट्राइकर्स प्रतियोगिता में ड्रैगन्स के प्रतिनिधि तुम बनोगे। थोड़ी पेट पूजा हो जाए। ये चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं आप सबका धूम धूम ग्रह पर हाई स्ट्राइकर प्रतियोगिता में स्वागत करता हूँ। यहाँ सबसे हिम्मत वाले और ताकत वाले ही जीतेंगे। आज हमारे साथ है सहस्त्र ग्रह से बुलजोर, सांझ ग्रह से सूरा और आखिर में ड्रैगन लैंड से भीम। पहला राउंड होगा ताने मार के साथ। कोई यहाँ कुछ तो गड़बड़ करने पर तुला है। कोई मेरे हथौड़े को खींच रहा था। कोई ताकत मेरे हाथों से भी हथौड़े को खींच रही थी। मुझे सूरा पर शक है। सब उसकी तरफ नजर रखो। ये तुम्हारे बस की बात नहीं। वापस घर जाओ बच्चों। तुमने ये बहुत बुरा किया सूरा, तुम्हें इस प्रतियोगिता से बाहर किया जाता है। प्रतियोगिता से बाहर? उससे पहले मैं इस जगह को तबाह कर दूंगा। इस भीम ने तो भयभीत पर काबू पा लिया। Oh, 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 oh,
आती खाना, इतनी जल्दी भी क्या है? पिकनिक पर आए हैं तो पेट पूजा तो होनी ही चाहिए। हम कब खोलेंगे ये आइसक्रीम का डिब्बा? जब जग्गू खाएगा तब। जग्गू को खेलने दो, तुम बाद में खेल लेना। जग्गू बीमारी से क्या उठा, हर चीज उसे ही पहले मिलेगी। मैं ये खेलूंगा। जोर लगा के हैया। मैं तो थक गया, अब नीचे उतरूंगा। कहाँ गया तौलिया? ये वहाँ कैसे पहुँचा? उड़कर पहुँच गया होगा। कौन हो तुम लोग? क्यों हैरान हो गए ना चतुर कालिया? क्या कह रहे थे तुम? हाँ, इस सुअर तो कभी उड़ नहीं सकते। क्यों? अब देख लो। चलो तुम्हारा परिचय करा दे। बहुत हो गई मस्ती, छोड़ दो मुझे। अच्छा छोड़ दो। तौलिया चाहिए तो खुद उड़ कर ले लेना, समझे? अरे अब तो ये इस गंदी मिट्टी से उठ भी नहीं पाएगा। सच, ये तीन हड्डे कट्ठे सुअर जिनके अजीब से पैर है। कालिया उस्ताद, आप इनसे डर रहे थे? हम पर हंस रहे हो? हंसने की तो बात है, ये कीचड़ में डालना, ये तो हम भी तुम्हें खेल बस्ती में डाल सकते हैं। हाँ, तुमने हमारा तौलिया भी लिया है ना, वो भी वापस ले लेंगे। अच्छा हाँ? कीचड़ में फेंकना तो दूर, तुम तौलिया पकड़ कर तो दिखाओ, मैं खुद तौलिया को यहाँ से निकाल दूंगा। मगर ये पकड़ेंगे कैसे इनके पैरों पर? तो शर्त मंजूर है। ओह, ये तो उड़ रहा है। सुखा देते हैं। ठीक है, मगर ढोलू भोलू भी चलेंगे। बच्चों ये लो ही रस। ये तो बहुत स्वादिष्ट है स्कार ड्रैगन। बीम, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ राजू? घबराओ मत बच्चों, ये एक सादा सा रस है जिसे पीने पर आवाज तीखी और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। वो देखो कितना सुंदर पंख है। वो देखो वहाँ और पंख है। सुईमुई अंतरिक्ष की सबसे सुंदर नर्तकी है, वो अपने पंख निकालकर ऐसे अंतरिक्ष में क्यों गिराएगी? स्काई ड्रैगन, हमें इन पंखों का पीछा करके देखना चाहिए कि सुईमुई ठीक तो है ना? ये पंखों की पगडंडी यहाँ खत्म होती है। मुझे वहाँ से कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। लार्टक, मैं तुम्हें आगाह करती हूँ, मुझे जाने दो। तो बदले में मुझे बहुत कुछ देना होगा। सुईमुई को अगवा किया है, शायद इसीलिए
अपने पंखों की पगडंडी पीछे छोड़ी होगी। हमें सुई मुई की मदद करनी चाहिए। सुपर भीम की सेना और स्काई ड्रैगन, सिपाहियों, रोको इन्हें। अब हमें कोई नहीं रोक सकता लाटा, हम सुई मुई को तुम्हारे चंगुल से निकाल कर ले जाएंगे। हमला! जैसा मैं करता हूँ वैसा वैसा तुम भी करो।